हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इससे पहले मैंने TCS कोड पे आपको बनाया था वीडियो। आज मैं TDS कोड बनाने जा रहा हूँ, टैक्स डिडक्टेड ऑन द सोर्स। इसको कैसे मेंटेन करते हैं साथ में, उसको देख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो TDS कहाँ पे करता है। TDS जनरली होता क्या है कि जब आप कोई कंपनी चला रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, और वो 50,000 से ज़्यादा है पर महीने का, तो आप TDS डिडक्ट करेंगे। सपोज दैट कि TDS जो है, आप आ, आ, किसी भी पार्टी का, आप जिसको रेंट दे रहे हैं उसके 80,000 का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पे जो TDS आप काटेंगे, या रेंट जो सपोज दैट 10% आप TDS काट रहे हैं, तो उसकी पेमेंट होगी 72,000। और जो 8,000 जो उसका टैक्स बन रहा है, वो हम काट के फिर उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स होगा, उसको पे करेंगे। तो जनरली होता क्या है, रेंट पे करता है, ट्रांसपोर्ट पे, परचेज पे, इस तरह के TDS ऐसा सेक्शन बना हुआ है, उसके अंडर में काटते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का भी करता है, जो सैलरी बेस पर्सन है, हम आप जो सैलरी बेस है, उनके भी TDS काटे जाते हैं। जो अभी आप बजट में आया कि 7 लाख तक जो स्लैब दिया गया है, उस पार्टिकुलर जो भी स्लैब डिफाइंड है, उस पार्टिकुलर स्लैब से ज्यादा अगर जाता है, तो क्या होता है कि आपको HR डिपार्टमेंट से बोला जाता है कि आप इनकम टैक्स की वो दीजिए, डिटेल्स दीजिए। अगर वो डिटेल्स के अनुसार आपकी सेविंग नहीं है और आप नहीं दिखा रहे हैं, उस स्लैब में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, पार्टिकुलर टैक्स डिडक्ट होता है। तो उसको सैप में कैसे मेंटेन करते हैं, उसको आज हम लोग देखते हैं। तो सैप में क्या होता है, एक सेक्शन आता है विथ होल्डिंग टैक्स। तो विथ होल्डिंग टैक्स में हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, वही हमारे TDS के फॉर्म में बनता है, उसमें टैक्स कोड बनाते हैं। तो एक कोड मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। तो विथ होल्डिंग टैक्स में जाने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे आइए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप आ जाएंगे इसमें सेटअप। सेटअप में फाइनेंस, फाइनेंस में आपका टैक्स है, इसी में आपको विथहोल्डिंग टैक्स मिलेगा। ये है विथहोल्डिंग टैक्स। ठीक है, अब इसमें आए, देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, विथहोल्डिंग टैक्स कोड। सपोज दैट आप कोई कोड बना रहे हैं कि आप 1% का कोड बना रहे हैं, या 2% का, या 3, आप 10% का बना रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के केस में तो आप क्या करेंगे, TDS एट द रेट ऑफ व्हाट, 10%। नहीं ले रहा है ज्यादा बड़ा ये, तो उस केस में क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करें, तो आप TD कर दीजिए, इससे पता चल जाए यूजर को, TD 10 कर दीजिए आप, तो 10% पता चल जाएगा। 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैसा है, ETDS है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नेम डाल दीजिए, तो नेम में आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए ताकि यूजर को पता चले कि वो ये जो टैक्स कोड है किसके लिए, TDS एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जाते हैं। जिस सेक्शन के अंडर में आप डिडक्ट कर रहे हैं, उस सेक्शन को आप मेंशन करेंगे कि 194Q है, 194C है, जो भी है। सपोज दैट ये 194C का है, तो वो आप इसमें इंक्लूड। सपोज दैट कि इस लिस्ट में आपको अगर ये सेक्शन नहीं अवेलेबल है, तो आप टाइप करेंगे, जाएंगे सेक्शन में, और सेक्शन में उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, थर्सोल ये सब आप। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि ये SSC कौन है, आप कंपनी के लिए काटना चाहते हैं या इंडिविजुअल का। तो अगर आप कंपनी के लिए कोड बना रहे हैं तो कंपनी करेंगे, अगर इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो इंडिविजुअल करेंगे। तो ये हम कंपनी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपनी सिलेक्ट कर लिया। अब पेमेंट कैटेगरी क्या होगा, जनरली क्या होता है, TDS कहाँ कटेगा, इनवॉइस पे कटेगा, तो हम यहाँ पे इनवॉइस करेंगे। अगर इंडिविजुअल होगा तो पेमेंट पे जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में आपका क्या होता है, पेमेंट ही होता है, इनवॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये कटेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ये नेट ही रहेगा, ये ऐसे ही परसेंटेज बेस अमाउंट 100 रहेगा। अब यहाँ पे आप अकाउंट मेंटेन करेंगे, ये अकाउंट क्या है, TDS ऑन जो भी आप सेक्शन आपने बना, TDS पेबल ऑन कॉन्ट्रेक्टर, ये कॉन्ट्रेक्टर का केस है। अगर इंडिविजुअल का ये कंपनी है, तो अगर आप कोई ट्रांसपोर्टर है, तो TDS पेबल ऑन द ट्रांसपोर्टर, TDS पेबल ऑन कॉन्ट्रेक्टर, TDS पेबल ऑन द परचेज, जो भी अकाउंट मैप आपको करना है आप उसको मैप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे, आप आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे TDS। TDS जैसे ही आप करेंगे, देखिए 3-4 बने हुए हैं, इसमें से जो आपको एप्लीकेबल है, मैं रेंट वाला भी बना रहा हूँ, तो मैं रेंट उठा लिया। ठीक है, अब इसमें जितने भी अकाउंट सेक्शन है, आप सभी में यही कोड आप डालेंगे, इसी को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसी को आप पेस्ट कर दीजिए, सभी में यही कोड जाएंगे, इस तरह से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इसमें। और उसके बाद फिर और आगे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये पेड करेंगे,
ये पेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे अकाउंट मैप कर दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकेशन क्या है, तो आपने लोकेशन बना रखा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इसमें से जो भी लोकेशन आपको लगता है, सपोज ये नोएडा लोकेशन के, तो नोएडा डाल देंगे। अब रिटर्न टाइप कहता है तो 26 भी जाता है, 27 भी जाता है, तो ये आपको क्लाइंट देगा, जो यूजर होगा वो बताएगा कि किस अंडर में। जनरली 26 जाता, तो हम यहाँ पे 26 ले लेंगे, ठीक है। इसको लेने के बाद अब इसको हम अपडेट करेंगे। अब ये बोल रहा है कि इफेक्टिव डेट नॉट वैलिड, तो यहां से आएंगे विथहोल्डिंग टैक्स डिक्लेरेशन, यहां पे हम ये वैलिडेट करेंगे कि कब से इफेक्टिव है। तो ये कहां से है, 0104 हमारे यहां क्या चलता है, सेशन चलता है 1 अप्रैल से चलता है, तो हम ये डाल दिए यहां पे, इस सेशन को डाल दिया कि 1/4/2022 से चलेगा। टीडीएस रेट कितना है, 10% का है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे ही अपडेट कर देंगे, ये अपडेट हो गया, अब आपका ये ऐड हो जाएगा। ओके कर दीजिए, इसको अपडेट कर दीजिए। इस तरह से क्या हो गया, आपका 10% का टीडीएस कोड बन गया। अगर इंडिविजुअल का रहता तो हम यहाँ पे जो कॉमन है वहां पे क्या करते, इंडिविजुअल अपडेट कर देंगे। यहाँ पे लेंगे हम इसको इंडिविजुअल अपडेट कर देंगे, तो इंडिविजुअल का बन जाएगा, यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, टीडीएस कोड बनाते हैं। तो ज्यादा नहीं होता, 10-15 होते हैं। इसको आप डीटीडब्ल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा है तो। अगर आपके 5-6-10 यूजर ने दे रखे हैं बनाने के लिए, तो आप उसको मैनुअली ही कर दीजिए, क्योंकि टीडीडब्ल्यू में जितने देर आप फाइल बनाएंगे, सीएसवी आप फाइल बनाएंगे, तब तक उतने देर में आप बना लेंगे, तो आप मैनुअली ही कीजिए। अब रही बात की इसको लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे बिजनेस पार्टनर पे, जो भी बिजनेस पार्टनर जिसपे टीडीएस लगाना है उस पर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे स्टार लगाइए, स्टार लगाने के बाद फाइंड कीजिए जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं। सपोज दैट कि हमारा ये बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, ये है, इस पे हमें टीडीएस काटनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसके अकाउंट सेक्शन में जाइए। अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद आप टैक्स में आ जाएं। टैक्स में आने के बाद देखिए सब्जेक्ट टू विथहोल्डिंग टैक्स ये चेकआउट हो रखा है, आप इसको चेकआउट कीजिए। उसके बाद एक्रुअल कीजिए और इसमें आप देखेंगे ये सारे कोड आ रहे हैं। सपोज दैट ये कोड हमें अप्लाई करना है इस पार्टी के लिए, तो ये अगर नहीं, अगर सारे आपको, तो सारे सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप पेमेंट करेंगे या जो भी बिलिंग होगी, इसकी इनवॉइसिंग होगी, तब यो उस वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पे 10% का ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिया, इसको एक्टिवेट करने के बाद मैं इसको अपडेट कर लूँगा। अपडेट जैसे ही किया, ये अब अपडेट हो गया। अब आप इसकी जब इनवॉइसिंग करेंगे, जब आप बिल बनाएंगे, तो देखिए अब मैं आपका बिल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कस्टमर है, AR इनवॉइस बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया था कौन था वो जिसको मैंने एक्टिवेट किया था, जितेंद्र। तो मैं जितेंद्र का यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि दूसरा कस्टमर आप लेंगे तो उस पर एक्टिवेट नहीं है, तो वो नहीं दिखाएगा। कैसे वो मैं अभी चेक करके आपको बता दूंगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये लिया, ठीक है। यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आइटम्स हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ। सपोज दैट कि मैं ये सेल कर रहा हूँ, ये स्टॉक नहीं है, ये है, ठीक है। तो इसकी स्टॉक को मैंने एक क्वांटिटी उठा लिया, उठाने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस डाल दिया, 10,000 डाल दिया मैंने प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये विथहोल्डिंग टैक्स क्या आ रहा है, यस आ रहा है। यदि यहाँ पे अगर मैं पार्टी पे एक्टिवेट नहीं करता या जितेंद्र का दूसरा पार्टी लूँ जिसपे कि विथहोल्डिंग टैक्स नहीं एक्टिवेट कर रखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो आएगा। तो अब ये क्या आ रहा है, ये आपका विथहोल्डिंग टैक्स लेवल क्या आ रहा है, यस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे नीचे आइए तो देखिए यहाँ पे क्या है, विथहोल्डिंग टैक्स अमाउंट अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कोड नहीं लगाया अभी। अभी जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि भाई कौन सा कोड इस पे लगानी है। तो ये जैसे देखिए यहाँ पे आया, अब मेरा विथहोल्डिंग टैक्स का ये कोड उठा के लाया। अब इस पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा जो भी कोड हमने इसको लिया है, उसमें से ट्रांसपोर्ट, ये है आपका ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट का पहले से बना हुआ 10% भी हमने लिया था, अभी देख लेते हैं। तो इसमें से जैसे ही आप कोड को सिलेक्ट करेंगे, ये 3% का है, तो ये देखिए ये अमाउंट बन रहा है 300। यहाँ पे आपके जैसे ही अपडेट करेंगे ये 300 उठ के यहाँ पे आ गया, ये तो विथहोल्डिंग टैक्स आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स को लगाते हैं। जितेंद्र नहीं था, कोई दूसरा पार्टी था, तो विथहोल्डिंग टैक्स इस तरह से हम लगाएंगे और पार्टी पे एक्टिवेट करेंगे। जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे आपको विथहोल्डिंग टैक्स नहीं दिखा। सपोज दैट मैं कोई दूसरा पार्टी लेता हूँ जिसपे कि ये चीजें नहीं लगी हुई है, ये भी हमारा कस्टमर है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये बाहर की पार्टी है तो इसको आप रहने दीजिए।
ठीक है, कोई ऐसा पार्टी लेते हैं जिसमें कि विथहोल्डिंग टैक्स आई थिंक ना लगा हो, वैसा उठाते, सपोज दैट ये है टिक पार्ट, ठीक है, इसको लिया हमने। अगर इसमें आप देखेंगे, इसमें विथहोल्डिंग टैक्स चेक का अनचेक कर देता हूँ, अकाउंट अगर चेक होगा तो मैं अनचेक कर देता हूँ, ये चेकआउट है यहाँ पे है, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद मैंने अपडेट कर दिया, अब आप देखिए जैसे ही मैं इस पे इसको लिया यहाँ पे, हाँ अब लेना होगा क्योंकि अपडेट अब बाद में हुआ है तो हमें अब लेना होगा, पहले लेंगे तो आप अपडेट पहले वाला वो, आप जब भी आप इसको कुछ अपडेट कीजिए उसके बाद से, यहाँ पे कोई भी आइटम मैं ले लेता हूँ, सपोज दैट कोई बैटरी लेता हूँ सेम आइटम, और यहाँ पे आप देखिए लेने के बाद मैंने 10,000 रुपये डाल दिए, ठीक है। जब 10,000 डाल दिए तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, डब्ल्यू टैक्स लेवल नो आ गया, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ नहीं पूछेगा, ये ऐड हो जाएगा इजी से, इनवॉइस एंड रिसीट मस्ट बी पेड टैक्स एग्जैक्टली वैल्यू, तो यहाँ पे पेड करने के लिए बोल रहा है क्योंकि हमने इसमें क्या कर रखा है, जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन एडवांस जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन ऑन कर रखा है, इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको एड करने जाते थे, पहले क्या होता था आपसे कोड मांगता था, यहाँ पे कोई कोड नहीं मांग रहा है और कोई अमाउंट यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आप विथहोल्डिंग टैक्स लगाते हैं तो जो मेन अमाउंट होता है उसी में से ये घट जाता है, रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट रहता है। शायद आपने इससे पिछले वाला जो हमने विथहोल्डिंग टैक्स लगाया था उसको बारीकी से देखा नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना कट रहा था, 3,000 इसमें टैक्स कट रहा था, यहाँ पे 300 कट रहा था, टोटल इसका पेमेंट कितना था, टोटल पेमेंट 10,000, फाइनली टैक्स अमाउंट इतना आया, ठीक है। और ये 300 अगर टैक्स कट रहा है तो उसको पेमेंट क्या होगा, इसका जो पेमेंट हो जाएगा आप देखिए यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स ये दिखा रहा है, ये आया 3% का विथहोल्डिंग टैक्स लग रहा है, ठीक है, 10,000 टोटल टैक्सेबल अमाउंट है और टैक्सेबल विथहोल्डिंग टैक्स ये हो गया, ठीक है, नेट अमाउंट। तो इस तरह से हम लोग इसकी डिटेलिंग देखते हैं और विथहोल्डिंग टैक्स लगाते हैं, मतलब टीडीएस काटते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये होता है, सिमिलरली परचेज के केस में भी आप करें, या कस्टमर के केस में कर रहे हैं आप परचेज के केस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विथहोल्डिंग टैक्स लगाते हैं, परचेज में जाना है, परचेज में भी आपको क्या करना है, एपी इनवॉइस पे जाके आपको टैक्स लगेगा, आप एपी इनवॉइस लेंगे, ठीक है। एपी इनवॉइस लेने के बाद आप वो वेंडर सेलेक्ट करेंगे, सपोज दैट जैसे मैंने कोई वेंडर वारी ले लिया, अब इस पे एक्टिवेटेड है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, तो एक बार आप जाएंगे इस पे जाने के बाद आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि ये जो है इस पे एक्टिवेटेड है या नहीं विथहोल्डिंग टैक्स, यहाँ पे आए टैक्स में गए, टैक्स टाइम में जाने के बाद ये इस पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, एक्टिवेल है, ये देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा अपडेटेड है। अब आप क्या करेंगे, इनवॉइस पे जाएंगे, इनवॉइस पे आने के बाद फिर से वारी में ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है, हो सकता है 10% वाला नहीं है क्योंकि बाद में हमने अपडेट किया है। अब यहाँ पे कोई भी आइटम हम उठा लेंगे परचेज के लिए, ठीक है, कि भाई ये आइटम हम परचेज कर रहे हैं, सपोज दैट मैं ये परचेज कर रहा हूँ, कौन सा आइटम लूँ, कोई भी ले लेता हूँ, ये देखिए ये लेता हूँ, अच्छा परचेज कर रहा हूँ, ये आया। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये एस आ रहा है, यस आ रहा है, इसका मतलब टीडीएस अप्लीकेबल है। अब इस पे हम जैसे ही 10,000 डाल देते हैं, ठीक है, 10,000 डाला, अमाउंट कितना, ये आ गया आपका 10,000। अब यहाँ पे देखिए टीडीएस अमाउंट अभी आएगा नहीं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ऐड करेंगे तो कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी रेगुलर, अच्छा एंड द जीएसटी नेम रिलेटेड आइटम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द टैक्स इनवॉइस, अच्छा ये नेम रिलेटेड आइटम बना हुआ है, ओके मैं दूसरा आइटम उठा लेता हूँ, दूसरा आइटम हमारा वही बैटरी ले लेता हूँ, ये बैटरी ले लिया, ठीक है, ये आपका आइटम है, ये हमने 10,000 रुपये लगा दिए इस पर, ठीक है, 10,000 लगाया ये आपका। उसके बाद जब हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए ऐड किया, ये पूछ रहा है, अच्छा अभी विथहोल्डिंग टैक्स लगा नहीं इसको, ऑटोमेटिकली ले गया, विथहोल्डिंग टैक्स इस पे लगना चाहिए था, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, देखिए विथहोल्डिंग टैक्स का यस तो लिख के आ रहा है बट ये अप्लाई नहीं हो रहा है,
सॉरी क्वांटिटी हमने ये कर दिया, ज़्यादा कर दिया, क्वांटिटी आप 1 रखिए, प्राइस आप 10,000 कर दीजिए, देखना पड़ेगा, या फिर पार्टी पे हो सकता है विथहोल्डिंग टैक्स, चेकआउट प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब यहाँ से जैसे ही हम ऐड करेंगे, यू कैन नॉट चेंज द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू, नहीं आ रहा है इसमें विथहोल्डिंग टैक्स। इसमें हो सकता है कि जो रो विदाउट टैक्स वाज फाउंड, इसमें पार्टी पे प्रॉपरली नहीं एक्टिवेट होगा, उसको चेक करना पड़ेगा। आप चेक करेंगे तो ये चीजें फाइंड आउट हो जाएगी कि क्या इशू है। विथहोल्डिंग टैक्स कंपनी, ठीक है, सभी लगे हुए हैं, तो भी इसको लगने लगा क्या होगा। कुछ इशू हैं, इसको देखने पड़ेंगे, ठीक है। शायद टैक्स कोड हमने नहीं लगाया था क्या, टैक्स कोड लगा ले, टैक्स कोड इसमें, ओहो, जीएसटी टैक्स इनेबल आइटम नहीं है, इसी वजह से नहीं लग रहा है। इस पर जीएसटी टैक्स इनेबल आइटम नहीं है, ये आइटम जी ही आपका जीएसटी टैक्स इनेबल नहीं था, जिस वजह से ये नहीं लग रहा था। अब आप देखिए, इसको हमने इनेबल कर दिया, इस पर हमने HSN कोड डाल दिया। ये सब चीज़ें आपको जब यूजर से देखेंगे, आप जब वो यूज करेंगे, तो फिर आप इस चीज़ को फेस करेंगे, तो उस केस में आप फिर फाइंड आउट करेंगे क्या इशू। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाता है जब हम यूजर को सपोर्ट देते हैं, तो इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ गया, यहाँ पे टैक्स कोड लगा दीजिए, इस पर टैक्स कोड भी इस पर ऑटोमेटिकली आना चाहिए था, ये आया नहीं है, ये गड़बड़ है। इस आइटम को मैं फिर से लूँगा, इसको डिलीट करूँगा, क्योंकि हमने जब अपडेट किया बाद में किया है, तो ये मैंने C002 ये था, ये आइटम हमने उठा लिया। अब आप देखें तो इस पर हमने ये लगा दिया विथहोल्डिंग टैक्स, इस पर टैक्स अब आ गया टैक्स, ठीक है। तो इस पर टैक्स हम लगा देते हैं 12% 12% का, ये हो गया। ये बारी दिल्ली का है, तो इस पर लगेगा IGST वाला लगेगा, IGST 12% ये लगेगा, ये आ गया, ठीक है। विथहोल्डिंग टैक्स ये आया, ठीक है। अब आप देखिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये विथहोल्डिंग टैक्स मांगना चाहिए। यू कैन नॉट चेंज दिस डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव ऐड इट कंटिन्यू, कुछ तो प्रॉब्लम है, विथहोल्डिंग टैक्स ले नहीं रहा, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चेक करके फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।